वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से लेके आया मैं नया वीडियो। आयरलैंड में चल रहे समर्स और वेदर बहुत ही अच्छा है। मुझे बिल्कुल भी जैकेट वगैरह कोई पहनने की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है। शाम में शायद से ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज मैं जा रहा हूँ स्टेडीज। तो रिसेंटली मैंने अभी गोप्रो लिया था, जो मेरा DSLR था, जो मैंने सेकेंड में लिया था वो मैंने बेच दिया और उसके जगह पर मैंने गोप्रो ले लिया व्लॉगिंग के लिए। सो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसा आउटपुट आता है। तो लेट्स सी। सो फर्स्ट हमने ली थी 42 नंबर की बस, जिसके बाद हमें लेना है डार्ट। डार्ट से हार्डली मेरे ख्याल से कुछ 15 या 20 मिनट का ही डिस्टेंस होगा। तो प्लेटफॉर्म 2 पे हमें आना था और मैं प्लेटफॉर्म 2 पे आ गया हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ कि डार्ट दिखती कैसे है। ये जो है ये डार्ट है, ये अलग डायरेक्शन में जा रही है। शायद से नई डार्ट है। तो आ गए हम स्टेडीज में। वेदर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अभी तक मुझे जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे जैकेट में साथ मिला है। अभी यहाँ से आगे जाना कैसे है वो तो पता नहीं है, गूगल मैप देखता हूँ। तो साहिल से आप देख पाओ मैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे देख के गाड़ी रोक दी तो मैं क्रॉस कर सकूँ। तो वहाँ पे एक्चुअली कोई सिग्नल नहीं था, जैसे कि वहाँ पे बटन रहते हैं जब आपको क्रॉस करना होता है तो उस टाइम पे आपको बटन दबाना पड़ता है, तो फिर उसके लिए 10 सेकंड के लिए वो रुक जाता है और फिर आप क्रॉस कर सकते हो। पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने, यहाँ पे एक्चुअली सभी ड्राइवर्स, शायद से कोई रूल्स होगा कि आपको अगर कोई भी रास्ता क्रॉस करते हुए दिखता है तो उनके लिए गाड़ी रोक दो। तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि कोई सोचता भी नहीं कि मैं इसे ब्रेक करूँ। यहाँ पे वैसे भी कोई सलमान खान भी नहीं है। तो अभी सलमान खान के फैंस भड़क जाएंगे मेरे को। मैंने जस्ट अभी चेक किया था, जस्ट 160 मीटर पे ही दिखा रहा है। तो चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक था, लाइक सिर्फ 1 घंटे का ही ट्रैवल था। बाकी मैंने बहुत सारी लोकेशन चेक की थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी वो, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। वहाँ पे जाने के लिए आपके पास अगर कार है तो ठीक है, वरना कैब से कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, या फिर आप कार रेंट कर सकते हो अगर आपको कार आती है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही, वरना फिर बस से हर एक लोकेशन पे यहाँ पे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही लोकेशन ही लगता है। तो आ गए हम लोकेशन पे। तो यहाँ के घरों में आपको थोड़ा मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा। ये थोड़े मॉडर्न टाइप के घर भी है और ट्रेडिशनल घर जो उनके होते हैं एक्चुअली वैसे भी हैं। वैसे सिटी साइड में इतना दिखाई नहीं देता, लाइक उन लोग के घर जो होते हैं वो ट्रेडिशनल टाइप के ही होते हैं। शायद से गवर्नमेंट का कोई रूल होगा कि आपको अगर घर आपके मर्ज़ी के हिसाब से बनाया ना तो शायद से कुछ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो
तो पूरा स्टार्ट से एंड तक मैं यहाँ पे चल के आया हूँ। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बाकी है पर मुझे अभी तक एक भी शॉप दिखाई नहीं दी है, एक भी लाइक फूड या फिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सब सिर्फ यहाँ पे आपको घर ही देखने को मिल रहा है। तो घर से जो खाना लेके आया था मैं वो अभी भी यहाँ पे रखा था। सो इंडिया से आते वक्त मैं कुछ ये दिवाली वाले आइटम लेके आया था। तो देखते हैं आगे कोई रेस्टोरेंट वगैरह है कि नहीं, शायद से नहीं होगा। अभी मैं एक्चुअली बाहर की तरफ से जा रहा हूँ तो एग्जैक्टली रास्ता मुझे भी पता नहीं है। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे, इन द केस अगर कुछ समझ में नहीं आता तो गूगल मैप लगाना पड़ेगा। और मेरी फ़ोन की बैटरी भी लेस देन 50% हो गई है। चलो इसी बीच का भी तो बहुत बढ़िया था, बहुत ही पीसफुल था। और आयरलैंड में यही समर्स में ही आप अगर बीच पे जाते हो तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि अगर आप बाकी देश में अगर जाते हो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा विंडी होता है। आयरलैंड का वेदर आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा विंडी होता है। तो बाकी देश में यहाँ पे आना मतलब बहुत ख़तरनाक काम है। और इतनी ठंड लगती है, अभी भी ठंड लगना शुरू हो गई थी फिर से धूप निकल आई है और अंदर की तरफ इतनी हवा नहीं चल रही तो अभी ठीक लग रहा है। अभी तो थोड़ा सा गर्म लग रहा है। चलो इसी ये अंदर की तरफ सारे जो घर है सारे के सारे ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाए हुए हैं। तो बाहर के जो वो थे सी फिशिंग वाले वो उसमें से कुछ कुछ मॉडर्न घर थे वो बहुत बढ़िया लग रहे थे। सो अभी बाबीगंज में आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 या 7 मिनट का रास्ता बाकी होगा। व्यू बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आपको दिखाना चाहता हूँ बट आई डोंट नो आप देखना कि आपको दिखाना है। सो यहाँ से निकलते वक्त मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे बस का टाइमिंग और बस को मुझे देख के रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये ऐसी लोकेशन से जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अगर आपके पास कार नहीं, अगर आप बहुत से ट्रैवल करें तो आपको बस का टाइमिंग ट्रेन का टाइमिंग देख लेना। यहाँ से मुझे टाट नज़र आ रही है, यहाँ से कोई टाट स्टेशन होगा टाट ही पकड़ के सीधा चल रहा हूँ। यहाँ पे खेल रहे रिटर्न के लिए बस भी देख लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि जल्दी कभी कभी बस होती नहीं है, कोई एक एक दो घंटा सबको भी वेट करना पड़ता है, कभी कोई आधा घंटा। सो बेटर ये रहेगा कि मैं पहले बस देख लूँ और उसकी तरफ से फिर निकलूँ। बाय द वे व्यू अच्छा है यहाँ पर, जैसे तुमने वहाँ तक पहुँचा नहीं हो पर हाँ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितना बेटर ये है। बहुत ही तगड़ा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से होके मैं अभी ट्राई करता हूँ वहाँ तक जाने के लिए, तो वहाँ से फिर ऊपर।
सो ये वाला बीच भी करके हो गया, तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर पे, तो बस ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ। बार बार मेरे मुंह में बस आ रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस से ट्रैवल करता हूँ। तो अभी भी यहाँ पे 28 मिनट दिखा रहे हैं ट्रेन के लिए, तो उसके बाद ये डार्क ट्रेन लेने के बाद फिर से मुझे बस चेंज करनी है, और फिर उसके बाद हार्डली 5 to 7 minutes का वॉकेबल डिस्टेंस है मेरे घर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आपको मिलता हूँ मैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। I should fuck her in the best, yeah.